बीजेपी डूमर खा में और खास करके जेजेपी में आपस में बयानबाजी चल रही है, इसको लेकर के क्या? देखिए, स्वाभाविक है, जहाँ से लोग बने हुए होते हैं, लड़े हुए होते हैं, वो अपेक्षा करते हैं उस हिसाब से। तो वीरेंद्र सिंह जी की अपेक्षा भी कोई, मैं उसको अन्यथा नहीं ले सकता। अभी हम गठबंधन में हैं तो जेजेपी ने वो सीट खुद दुष्यंत चौटाला जी ने जीती हुई है, लेकिन इसका निर्णय सब भविष्य के गर्भ में है। अभी इस समय हम गठबंधन में हैं और अच्छी तरह से हम गठबंधन में काम कर रहे हैं, लेकिन अगला निर्णय जब होगा, जब चुनाव आएंगे, तो ये एक तरह से रणनीतिक निर्णय है। केवल हम अकेले भी नहीं करते हैं, केंद्र और जो है हरियाणा मिलकर करता है, तो जब इसकी जानकारी आपको देंगे। अभी चौटाला का एक बयान हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं हुई तो 2024 के बाद जेल में बैठकर राजनीति करनी पड़ेगी विपक्षी नेताओं को। ऐसा है कि डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है और ये कांग्रेस ने जैसे इमरजेंसी में विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा था, ऐसे किसी के बारे में ना भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है, ये कांग्रेस की ही कुत्सित सोच थी। हाँ, कोई अगर करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं और कोई उसके कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से किसी पर आरोप है, तो वो एक अलग बात है।